बलिया जिले के बैरिया तहसील में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य के लिए शासन के निर्देश के क्रम में एक तरफ तहसील प्रशासन आंदोलनरत किसानों की भूमि को अधिग्रहण करने की मुहिम में जुटा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ 65 किसान उच्च न्यायालय के आदेश के प्रति दिखाते हुए अब 2 जुलाई को सामूहिक आत्मदाह करने का ऐलान कर चुके हैं। जैसे ही यह खबर सामने आई पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आंदोलनरत किसान ब्रजेश पांडे, बच्चा जी कुंवर इंद्रजीत पांडे, जय प्रकाश कुंवर, राजीव कुंवर आदि ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करने के साथ ही जिलाधिकारी व उपजिलाधिकारी बैरिया को पत्रक सौंपकर शिकायत करी है। 65 याचिकाकर्ताओं उच्च न्यायालय के शरण लिया है और उच्च न्यायालय ने आदेशित किया है कि किसानों से जबरिया भूमि बैनामा न कराया जाए और न ही किसानों के साथ जाति करी जाए। इसके बावजूद तहसील प्रशासन कानून का नाजायज प्रयोग करते हुए उनकी कृषि योग्य भूमि, जो कि एकमात्र जीविका का साधन है, उसका कुचक्र रचते हुए याचियों पर पारित आदेश की अवहेलना करते हुए उन्हें बिना बताए प्रतिकर बैनामा कराया गया है और भूमि का कब्जा बलपूर्वक किया जा रहा है। ऐसे में याचिकाकर्ता काफी परेशान है और जगत तहसील व जिला प्रशासन से क्षुब्ध होकर 2 जुलाई दिन मंगलवार को सामूहिक रूप से आत्मदाह करेंगे, ऐसा उन्होंने ऐलान किया है। देखिए एक रिपोर्ट। और किसान संघर्ष मोर्चा बैरिया का अध्यक्ष हूँ। हम लोगों का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 31 में बनने वाली भूमि जा रही है और इस जमीन की रक्षा के बाबत हम लोग माननीय न्यायालय में एक याचिका दाखिल किए हुए थे, जिसमें आदेश पारित हुआ कि हम किसानों के विरुद्ध कोई बलपूर्वक कार्रवाई न किया जाए और न ही किसी कंसेंट लेटर पर सिग्नेचर कराने के लिए बाध्य किया जाए। अगर लेना ही है तो अधिग्रहण करके लें, क्योंकि अधिग्रहण का नाम लेकर के प्रशासन अपने पावर का दुरुपयोग करते हुए हमारे जमीन पर से कब्जा ले रही है। यह कहते हुए कि अधिग्रहण कर लिया गया है, जबकि हम किसी किसान के खाते में कोई प्रतिकर अवार्ड का एक अंश भी आज तक नहीं आया है। यह कहने पर प्रशासन स्थानीय द्वारा कहा जाता है कि कोई अवार्ड देने की इसमें प्रक्रिया नहीं है, अवार्ड आप न्यायालय में गए हैं, न्यायालय पे लीजिए, हम काम कराएंगे, यह जमीन हम पर हम कब्जा करेंगे। यह कहते हुए हमारे सारे बोए हुए खेत को जोतवा दिए और कब्जा कर रहे हैं। इसकी शिकायत थाना दिवस पर और SDM बैरिया को भी दिए, जिला प्रशासन को भी दिए। हम लोगों के दरखास्त को फाड़ फेंक दिया जाता है। इनसे व्यथित होकर हमारे वरिष्ठ किसान श्री ब्रजेश पांडे जी दहछपरा के समस्त किसानों के साथ बैठक किए थे, जिसमें मैं उपस्थित नहीं हो सका था। उसमें यह तय किए लोग कि हमारी बात जब नहीं सुना जाएगा तो प्रतिकर दिए बिना अगर कोई कार्यवाही या कब्जा ले रहे हैं तो हम लोग सामूहिक रूप से आत्मदाह करेंगे। 2 तारीख का दिन फिक्स किए हैं, जो मंगलवार का दिन पड़ रहा है। अगर प्रशासन वार्ता करके इसके पहले समाधान और हमारे अकाउंट्स में प्रतिकर की राशि नहीं भेज देते हैं, कब्जा लेते हैं, तो हम समस्त किसान अपना आत्मदाह करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से संबंधित लेकर के जिलाधिकारी महोदय और उप जिलाधिकारी महोदय को भी लिखित पत्रक और यह शिकायती पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जिसमें यह निवेदन किया गया है कि किसी तरह के कब्जा दखल लेने से पूर्व हम लोगों का अवार्ड, हम लोगों का प्रतिकर हमारे खाते में आ जाए, उसके बाद ही किसी तरह का कोई परिवर्तन कार्यवाही हो, अन्यथा हम सभी लोग आत्मदाह करेंगे।